हेलो गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं जोधपुर में। मैं और अभिषेक इस वक्त आए हैं जोधपुर, जोधपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। और इस वक्त हम हैं सदर मार्केट में, और जिसके बीचों बीच है घंटाघर। सदर मार्केट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सदर नाम के एक राजा ने इसको बनवाया था। तो हम यहाँ से अपने जोधपुर के एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। जोधपुर की सरदार मार्केट में स्थित ये घंटाघर 1910 में राजा सरदार सिंह ने बनवाया था। 100 फुट ऊंचा यह घंटाघर 4 मंजिला है और इसमें लगी हुई घड़ी तीसरी मंजिल पर है, जिसमें हर शुक्रवार चाबी दी जाती है। इस घंटाघर में प्रवेश के लिए 10 रुपये की टिकट लगती है। घंटाघर में ऊपर चढ़कर आप पूरे मार्केट का नज़ारा ले सकेंगे। उम्मेद भवन पैलेस, जो कि जोधपुर रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल प्लेस है जिसे ताज होटल्स मैनेज करता है, और इसे वर्ल्ड्स बेस्ट होटल का भी अवार्ड मिला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। Thank you.
जब मैंने इस पैलेस के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि इस पैलेस को बनाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि 1930s में जोधपुर में सूखा आया था और सूखे के कारण काफ़ी लोगों का रोजगार चला गया था। तो राजा उम्मेद ने इस पैलेस का निर्माण इस पर्पज से किया कि उन लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपने परिवारों को पाल सकें। तो हम आ चुके हैं इस वक्त राव जोधा डेजर्ट पार्क में, जो कि मेहरानगढ़ के बिल्कुल जस्ट अपोजिट में है। और यहाँ पे कई सारे प्लेसेस हैं देखने के लिए, जिसके लिए हमने टिकट ले ली है। टिकट 100 रुपये की है और इसके साथ हमें एक मैप दिया है जिसके अकॉर्डिंग हमें इस पार्क को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इस पार्क में काफ़ी सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए और हमें इस मैप के अकॉर्डिंग घूमना पड़ेगा इस पार्क के अंदर। तो चलते हैं इस पार्क के अंदर और देखते हैं कि हम क्या क्या इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए।